दोस्तों, इलेक्शंस तो हमेशा होते रहते हैं, चाहे आपके विलेज पंचायत के इलेक्शन हो रहे हों, चाहे नगर निगम के, चाहे सिटी बोर्ड के या लोकसभा के। क्या आपने जानते हैं कि वो सबसे पहला वोटर कौन रहा होगा इतनी करोड़ों की आबादी में, जिसने सबसे पहले इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट किया होगा और अपना पहला वोट दिया होगा। आइए चलिए जानते हैं उस वोटर के बारे में जो कि बहुत ही विशेष है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज़ादी का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो था आपका फरवरी 1952 में, और जो इलेक्शन करवाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1952 में, मगर इससे अलग जो रियल डेट है वो आपकी 25 अक्टूबर 1951, ये 5 महीने पहले ही करवा दी गई थी ये इलेक्शन, और ये इलेक्शन हुए थे आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। जी हाँ, उस समय इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा, क्योंकि जो आपका फरवरी और जनवरी का मौसम होता है उस समय कई ज़्यादा बर्फबारी होती है, और इस समय जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफ़ी मुश्किल होता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो इलेक्शन में जितने आपके ड्यूटी होती है जिन लोगों की, उन ऑफिसर्स को जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उन्होंने एक और अलग से डेट निकाली और इस डेट को सेट कर दिया गया था आपकी 25 अक्टूबर 1951। और यही वो दिन था जहाँ पर भारत में मतलब आज़ादी के बाद पहली बार इलेक्शन किए गए थे, और इस इलेक्शन में जो है सबसे पहले वोट जो करने आए थे वो थे आपके श्री श्याम सरन नेगी जी, और इन्होंने सबसे पहले ही वोट किया था, और इनको इस समय फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, करीबन वो 100 साल के हो चुके हैं इस समय, और जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 21 जुलाई 1917 में। ये है आपके कल्पा एक जगह का नाम है, एक सिटी तो नहीं है, एक टाउन है जो कि पड़ता है आपके किन्नौर विधानसभा एरिया है वहाँ का, मतलब जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, और आता है आपकी मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। श्याम सरन नेगी जी टीचर थे बाय प्रोफेशन से, और करीबन उन्होंने 30 साल की जॉब अपनी दी है, और उसके बाद अभी तक वो वोटिंग में भी अपना पूरा योगदान देते आए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके 97 जन्मदिन पर इनको एम्बेसडर के तौर पे पूरे भारत में किया गया है कि ये वोटर को किस तरीके से प्रेरित करें वोट देने के लिए, और ये बखूबी अपना काम करते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी उत्साह नज़र आते हैं जब ये 100 साल के हो चुके हैं उसके बावजूद भी सभी वोट देने जाते हैं। तो ये थी फ़िलहाल आज तक की जानकारी जो मैं देना चाहता था आपको, क्योंकि इलेक्शंस भी काफ़ी नज़दीक हैं इस समय हिमाचल प्रदेश के, जो कि होने वाले समय 9 नवंबर 2017 को, और जो कि हिमाचल प्रदेश है ये आपकी यूनिकैमरल एक लेजिस्लेचर है जिसपे 68 लगभग 68 इसकी विधानसभा की जो है सीटें हैं। आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। थैंक यू।